अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। लोग देखेंगे कैसे धुआं मोहब्बत का, ये आग वो है जो दिल में लगाई जाती है। दोस्तों, आज जिस हीरो की मैं बात कर रही हूँ वो अपने दौर के बहुत ही मशहूर और टॉप मोस्ट हीरो थे, लेकिन पंजाबी फिल्मों के। वैसे उन्होंने कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में भी काम किया था, और वो हैं बहुत ही हैंडसम खूबसूरत नौजवान सतीश कौल। भीगी फजा महकी हवा बोले सनम आजा मेरी बातों में। सितंबर 1948 में पैदा हुए थे सतीश कौल श्रीनगर में, जो कश्मीर में है एक ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता का नाम था मोहन लाल एमा और वो काफी अरसे तक मुंबई दूरदर्शन के डायरेक्टर थे। सतीश कौल की मां का नाम था उषा रानी कौल और वो हाउसवाइफ थी। सतीश की एक छोटी बहन भी है और उसका नाम है सुषमा, और वो भी फिल्म लाइन से जुड़ी हुई है। सतीश कौल ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की श्रीनगर में, बीए किया और उसके बाद फिल्मों का शौक उन्हें पूना ले आया। पूना में उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा हासिल किया, और वो बहुत खुश थे ये सोच के कि अब तो मैं हीरो बन जाऊंगा। तो मुझे मर के भी तुझको है पाना, आके चाहे मौत देख ले ओ मेरी सोनिए। किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि वो हीरो तो बन गए लेकिन पंजाबी फिल्मों के, और इतने ज़्यादा मशहूर हो गए, इतने टॉप मोस्ट हीरो बन गए कि लोग उनको पंजाबी फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहते थे। इश्क चूरिया कुट लियांदा, इश्क दे होर नजारे, इश्क हीर इश्क रांझा इश्क ही मजियां चारे, इश्क चोरियां कुट ले आउंदा इश्क दे होर नजारे। सतीश कौल बहुत खुश थे कि वो पंजाबी फिल्मों के टॉप मोस्ट हीरो बन गए हैं और ढेर सारा बहुत पैसा कमा लिया। फिर भी उनके दिल में ख्वाहिश थी कि वो हिंदी फिल्मों में भी बहसियत हीरो काम करें, और उनकी ये तमन्ना पूरी कर दी 1974 में मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शिव कुमार ने, और इस फिल्म का नाम था अंग से अंग लगा ले, और सतीश के साथ हीरोइन थी प्रेमा नारायण। धुली धुली सी शाम आई है जो मेरे नाम जिंदगी को तीसी की आरजू। लेकिन अफसोस कि हिंदी फिल्मों में सतीश कौल को बहसियत हीरो ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात की बड़ी खुशी थी कि 1986 में सुभाष घाई की एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था कर्मा, और उसमें सतीश कौल ने दिलीप कुमार और नूतन के बेटे का रोल किया था। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे। सतीश कौल कहते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि जब मैं जवान था, बहुत हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था, एक्टर भी बहुत अच्छा था, फिर भी हिंदी फिल्मों में मुझे वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया, और फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने कई छोटी मोटी फिल्में साइन कर ली, और वो भी बी और सी ग्रेड फिल्में। डोरी प्यार की ना टूटे, डोरी प्यार की ना टूटे, चाहे जितना जोर लगा ले दुनिया। सतीश कौल कहते हैं
कि छोटी मोटी फिल्में साइन करना मेरे करियर का डिमोशन था और मेरी ज़ाती ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिमोशन था मेरी शादी। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले मैंने शादी कर ली थी। मेरी बीवी का नाम था निम्मी सिंह, वो बहुत हसीन और ख़ूबसूरत थी और डरबन की रहने वाली थी। एक दिन मैं बहुत खुश हो गया जब उसने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है और मैं पिता। लेकिन अफसोस कि देखते ही देखते मेरी खुशी गम में बदल गई और साथ ही साथ उसने एक शर्त भी रख दी थी और साफ साफ कह दिया मुझसे कि तुम अपने बच्चे का मुंह उसी वक्त देख पाओगे जब तुम मेरे साथ डरबन चलोगे और मेरे पिता के साथ रहोगे उनके घर जवाई बनकर। ये सुनते ही मेरे जहन में एक बिजली सी गिर गई। मैं सोचता ही रहा कि ये क्या हो गया है और वो मुझे छोड़ के डरबन चली गई हमेशा के लिए, शादी के सिर्फ 1 साल बाद। सतीश कौल कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती, चारों तरफ से आती है। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरे पिता को कैंसर हो गया है। मैंने बहुत इलाज करवाया, पैसे का ज़रा भी मुँह नहीं देखा, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया और वो दुनिया छोड़ के चले गए। और मेरी माँ ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और कुछ ही अरसे के बाद उनकी भी डेथ हो गई, उन्हें भी कैंसर हो गया था। सतीश कौल ने बताया कि माँ बाप की डेथ के बाद और उनका इलाज करवाने के बाद मैंने देखा कि मैंने जितना भी रुपया और पैसा कमाया था उसमें से ज़्यादातर रुपया खर्च हो गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे और रुपया कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए लुधियाना में उन्होंने अपने नाम का एक एक्टिंग स्कूल खोल दिया। वो बहुत खुश थे क्योंकि स्कूल चल निकला था और बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अभी तो मुसीबतों का क्लाइमैक्स आना बाकी है। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे, उनका पैर फिसल गया, वो गिर गए और कूल्हे की हड्डी टूट गई। उसके बाद लगभग 2.5-3 साल तक वो हॉस्पिटल में रहे, इलाज करवाते रहे, आराम करते रहे और उनकी जेब बिल्कुल खाली हो गई। वो पाई पाई को मोहताज हो गए। सब लोगों से उन्होंने मदद मांगी लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की सिवाय जैकी श्रॉफ, प्रीति सपरू और भावना भट्ट के। सतीश कौल कहते हैं कि जिन लोगों के पास इज्जत, दौलत और शोहरत होती है सब लोग उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना इज्जत, ना दौलत, ना शोहरत, और अब तो सेहत ने भी साथ छोड़ दिया है। मैं हर तरह से मोहताज हो गया हूँ हर एक का। अभी रिसेंटली मैंने सतीश कौल से बात की थी फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया कि तबस्सुम जी, मेरा बेटा ऋषभ अब जवान हो गया होगा लेकिन मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, कैसा लगता है। और अब मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी चिता को अग्नि कौन देगा। बेटे के बगैर जिंदगी बहुत बहुत दुख भरी होती है। बेटा अगर ना होए मेरी चिता को कौन आग लगाएगा? मेरा बेटा अग्नि लगाएगा तो कौन आग लगाएगा? मैं भी दूजे के बेटिया देखदा, मैनू अपने बेटे की बहुत याद आती है। पता नहीं केड़े कर्म मैं किते सी, मेरा बेटा मेरे ते क्यों रुस गया रब्बा। मैं और नहीं सह सकता अपनी बेटे दी जुदाई। सतीश कौल अब 70+ हो गए हैं, लुधियाना में रहते हैं और हर तरह से हर एक के मोहताज हैं, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।